हम देखने वाले हैं एक क्वेश्चन पेपर जो कि यहाँ पर रहेगा इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि डिफार्मा सेकेंड ईयर का है। अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता है कि डिफार्मा सेकेंड ईयर में 7 सब्जेक्ट हैं, लेकिन आई थिंक कुछ स्टूडेंट अभी भी ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है कि उनके सिलेबस में ये सब्जेक्ट भी एड है। अब क्या होता है, हमारा जो सिलेबस वगैरह होता है ना, उसमें हम मोस्टली जो हमारे 6 सब्जेक्ट है इस साल उनकी ही स्टडी करते हैं, और लास्ट टाइम में आके पता चलता है कि ये भी सब्जेक्ट हमारा एड है एक्स्ट्रा में, तो इसकी प्रिपरेशन हम नहीं कर पाते। वैसे देखा जाए तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है काफी ज्यादा एसेंशियल है आपके पास होने के लिए, क्योंकि आप अदर सब्जेक्ट में पास हो जाएं लेकिन इसमें आप फेल हो जाएं तो आप फेल ही माने जाएंगे, आप पास वहां पे नहीं होंगे। तो इस सब्जेक्ट में पास होना आपके लिए कंपलसरी है। अब यहाँ पे होता ये है कि काफी सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें ये पेपर कंडक्ट किया जाता है, कुछ हमारी आई थिंक ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें ये पेपर नहीं होता है। तो अगर आपको इस चीज में डाउट है कि भी यूपी में तो 100% ये पेपर हमारा होता है, कंफर्म है, अदर स्टेट्स में अगर आपको डाउट है कि ये पेपर आपका होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए आपने कॉलेज में पता कर सकते हैं, जिससे कि लास्ट टाइम में आपको अचानक से ऐसे ना पता चले कि आपको ये पेपर भी देना है। तो इसमें क्या है कि इसके लेक्चर वगैरह हमने प्रिपेयर नहीं किए, लेकिन वेबसाइट पे इसकी जो पीडीएफ है मिक्स में और साथ में इंग्लिश में हमने अपलोड की हुई है, तो वहां से आप इस पीडीएफ को ले लें। पूरे मॉडल पेपर की पीडीएफ एक ही हमारी, जिससे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। चलिए ये बातें हमारी हो गई। तो ये जो हमारा पेपर है इसका पैटर्न यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे हमारे अदर पेपर होते हैं उनके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पे 80, मतलब के 80 नंबर, लेकिन ये जो आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर आता है ये होता है आपका मैक्सिमम 50, यानी कि 50 मार्क्स का आपका ये पेपर आता है। वो इसमें पास होने के लिए आपको जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं वो होते हैं यहाँ पे 17। काफी बच्चों को डाउट रहता है कि सर ये 50 मार्क्स का हमारा पेपर है तो इसमें पास होने के लिए कितने चाहिए। देखिए मिनिमम तो यहाँ पर आपको 17 मार्क्स चाहिए, लेकिन आप अपना टारगेट मिनिमम 20 का बना के रखिए। 20 में आपका एक दो नंबर कम हो रहा है फिर भी आपके 17 तो आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप पास हो सकते हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से इसके अंदर हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जो 1 क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन है, आपको क्या करना है यहाँ पे 2 क्वेश्चन को अटेंड करना है, और हमारा जो एक क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा ये रहेगा आपका 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। 2 आप यहाँ पे अटेंड करेंगे आपके हो जाएंगे 10 मार्क्स। तो यहाँ पे एक चीज तो है कि ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है इसमें छूट सबसे ज्यादा दी हुई होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 क्वेश्चंस और यहाँ पे आपको 5 एक्स्ट्रा में दिए हुए क्वेश्चंस हैं। हर एक यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और जब इस तरीके से भी हमारा पेपर आता है तो काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। आपको इनमें से 2 तो मिनिमम आते ही हैं, तो आप इनको अटेंड कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स आप वहाँ पे ले सकते हैं। और देखिए इसमें पास होने का सबसे सिंपल और इजी यहाँ पे तरीका होता है कि ये जो हमारे क्वेश्चन है जब आप इनको अटेंड करें, आप ऐसा मत कीजिए क्वेश्चन को बीच में छोड़ दीजिए, अच्छे से आप इसको अटेंड कीजिए, क्योंकि इसमें देखा जाए तो बेसिक नॉलेज होती है। ये जितने भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कहीं ना कहीं हम यहाँ पे 8th, 9th या 10th क्लास में क्या है हम इनको पढ़ चुके हैं, तो न्यू हमारे लिए नहीं होते, बस आपको थोड़ा सा इनका बेसिक जानना होता है और खुद भी आप इनको बना के लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ हमारे इसके अंदर ये क्वेश्चन है, तो इसमें से आई थिंक काफी सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके इस बार भी एग्जाम में रिपीट होंगे। अब कहने का मतलब ये नहीं है आप इस पेपर को यहाँ पे तैयार कर लीजिए पूरे को, इसी से आप पास हो जाएंगे। देखिए काफी सारे क्वेश्चन इससे रिपीट होंगे, लेकिन इससे अलग भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर कीजिए जिससे आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं किस तरह के हमारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है आंसर यानी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन इकोसिस्टम। देखिए जो हमारा है ना इकोसिस्टम, इसको आप अच्छे से अब भी प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार क्या होता है यहाँ पे रिपीट होता है। तो आपको बताना है हमारा इकोसिस्टम क्या होता है, साथ में इसकी बायोडाइवर्सिटी। अब स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, अच्छे से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में आप इसको बना बना के भी लिख सकते हैं, जिससे आप 5 मार्क्स यहाँ पे ला सकते हैं। सेकंड यहाँ पे हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज, देखिए बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है आप बना के लिख सकते हैं। साथ ही में इट्स इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम, सॉरी यहाँ पे इकोलॉजी और इकोसिस्टम। तो ह्यूमन एक्टिविटीज हमारी क्या है और इसका इकोसिस्टम और साथ ही में यहाँ पे इकोलॉजी पे क्या इफेक्ट होता है, इसके ऊपर ये आपको यहाँ पे बताना है। साथ में भी क्या डिफरेंट होता है बिटवीन बायोडिग्रेडेशन और साथ में बायो डिग्रेडेबिलिटी, ये आपको यहाँ बताना है। अच्छा इस तरह से आप सोच रहे होंगे सर इस तरह से पढ़ के बता रहे, देखिए पढ़ने का मतलब है कि आपको एक तरह से पता चल सके कैसे आपको अटेंड करना है। जैसे यहाँ पे 2 आपको लिखने, गिव द केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन। भाई एसिड रेन क्या होती है, आई थिंक आपने 9th और 10th क्लास में आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। साथ में व्हाट आर इट्स इफेक्ट, तो एसिड रेन क्या होती है, किसके इफेक्ट होते हैं। साथ में आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आई थिंक
ये तो 9th क्लास में ये टॉपिक था जो हमने पढ़ा था, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से अपने पास से पढ़ के बना के लिख सकते हैं। साथ में व्हाट सजेशंस वुड यू लाइक टू गिव टू मिनिमाइज पोल्यूशन। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली है, जैसे कि यहाँ पर तो चलिए हम देख रहे हैं कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज है जिससे हम पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन हमारे जो आ गए हैं जैसे थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, ये हमारे टोटल किससे, ये हमारे पोल्यूशन से रिलेटेड है। मतलब कि इसके अंदर यहाँ पे 6 पार्ट आपको दिख रहे हैं और 6 के 6 में ओनली पोल्यूशन के बारे में ही पूछा है। तो आपके लिए प्लस पॉइंट क्या रहता है यहाँ पे, इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर जो पोल्यूशन है वे टाइप्स के, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, उससे आपके काफी अच्छे मार्क्स इसमें आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब मेन इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है, इसके मेन इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहे हैं भाई, हाउ कैन एयर पोल्यूशन बी कंट्रोल, कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। साथ में भाई एक्सप्लेन कीजिए मेन इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये बिल्कुल जनरल टाइप के क्वेश्चन है जो भाई जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं, वाटर क्या होता है भाई, ये होता है वो गंदा हो रहा है, वाटर पोल्यूशन फैल रहा है, इस तरीके से आप बना बना के भी इसको लिख सकते हैं। साथ ही हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें भी टोटल पोल्यूशन के बारे में पूछा है, राइट, शॉर्ट नोट ऑन नॉइस पोल्यूशन क्या होता है हमारा, साथ ही में रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है, और यहाँ पे पूछा है भाई हाउ डज एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर पोल्यूट अवर बायो बायोस्फेयर। तो भी क्या है, ये सब हमारी जनरल चीजें हैं जिनको आप अच्छे से अगर प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं इसको, तो अच्छे मार्क्स आप इस सब्जेक्ट के अंदर ला सकते हैं। साथ ही में आंसर एनी टू पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी, साथ ही इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड, और एक्सप्लेन टाइप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक तरह से इस सब्जेक्ट का हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कोई भी आपका डाउट है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो देखिए काफी सारी ऐसी स्टेट्स है जिनमें जो पेपर है ये कंडक्ट किया जाता है। आई थिंक कुछ स्टेट ऐसी हो सकती है जिनमें पेपर कंडक्ट ना किया जाता हो, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप सीधा अपने कॉलेज में किसी भी टीचर से पता कर सकते हैं कि सर ये पेपर हमारा होगा या नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया यूपी के अंदर ही कंफर्म है कि आपका ये पेपर होता है और इसमें पास होना कंपलसरी है, अगर आपको पास होना है और सब्जेक्ट में भी तो इस तरीके से हो जाता है हमारे पेपर। हमने आपको बता दिया 50 मार्क्स का 50 नंबर का पेपर आता है, मिनिमम आपको 17 चाहिए होते हैं, इससे ज्यादा की आप सोचिए। और आप क्या करेंगे, जैसे आपके एग्जाम आ रहे हैं तो एग्जाम से पहले आप बिल्कुल हल्के मत लेना, लेकिन ऐसा मत करना कि सारा टाइम इसको दे देना, आप इसको थोड़ा टाइम देते चलिए और इसको पढ़ते चलिए, और सब्जेक्ट से कम टाइम दीजिए लेकिन इसको भी आप टाइम दीजिए, तो आप इसमें इसलिए पास हो सकते हैं। तो अब आपको लेक्चर कैसे लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, कोई भी आपका डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ में वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारे जो सब्जेक्ट है इसकी जो PDF हमने ऑलरेडी पूरे मॉडल पेपर की, तो मॉडल पेपर देखिए कुछ तो होते हैं कि हार्ड लैंग्वेज होती है, इसकी काफी ज्यादा इजी लैंग्वेज है क्योंकि एक तरह से जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हमने वेबसाइट पे अपलोड की हुई है, वेबसाइट आपको दिख रही है स्क्रीन पे, आप यहाँ पे क्या करिए ज्वाइन हो जाइए। आप अगर इंग्लिश में स्टडी करते हैं तो आप इंग्लिश की PDF ले लीजिए, साथ में मिक्स में आप स्टडी करते हैं तो मिक्स वाली PDF भी आप ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।